पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात दी। चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून से प्रदेश को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम ने 15,626 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 2,513 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की उत्तराखंड सरकार की भी जमकर तारीफ की। आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा सियासी तौर पर भी महत्वपूर्ण रहा। पीएम मोदी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें अपने और अपने लोगों के लिए काम करती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आ रहा है। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से दशकों तक जो सरकार में रहे उनकी नीति और रणनीति में दूर दूर तक ये चिंतन कहीं नहीं था। अंबेडकर नगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 125 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को भी संबोधित किया। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ की तो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश कितना भी जोर लगा लें, लेकिन पिछड़ा बीजेपी के साथ ही रहेगा। केशव ने अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अभी कुछ लोग सपा और बसपा के मानसिकता के रह गए हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। अखिलेश यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं अब अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वहाँ पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आप विश्वास रखता हूँ कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और मंदिर में उन्होंने पूजा पाठ कर बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। यूपी में चुनाव को देखते हुए जब कंगना से पूछा गया कि वो चुनाव प्रचार करेंगी और किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी, जवाब में कंगना ने साफ कहा, जो राष्ट्रवादी है मैं उनके लिए चुनाव प्रचार करूंगी, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती और प्रचार में भी उसी पार्टी का सपोर्ट करूंगी जो राष्ट्रवादी है। मैडम, 2022 में चुनाव में क्या भाजपा के लिए आप कैंपेनिंग करती हुई दिखाई देंगी? जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए कैंपेनिंग करूंगी, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ, जो राष्ट्रवादी है उन्होंने इसके लिए कैंपेनिंग। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज केशव मौर्य के पक्ष में उतर आए हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि केशव मौर्य ने मथुरा पर जो बयान दिया है वो उसका समर्थन करते हैं। साक्षी महाराज बोले कि ये हकीकत है कि अयोध्या काशी में मंदिर का निर्माण जारी है, अकेला मथुरा रह गया है। प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा के मंदिर के नवनिर्माण की जीर्णोद्धार की बात की है तो मैं उनका हृदय की गहराई से स्वागत करूंगा, क्योंकि अयोध्या और काशी का निर्माण तो हो ही रहा है, अकेला मथुरा रह गया है। मथुरा में भी हिंदू मुसलमान दोनों भाई बैठ करके कोई निराकरण करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में टोपी लुंगी वाले गुंडे हथियारों के बल पर आतंक मचाते थे, खुलेआम दहशत मचाते थे। इस पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने केशव के बयान पर चुटकी लेते हुए पलटवार किया है। अलवी के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस दोनों रहे।
केशव प्रसाद जी का बयान मैंने देखा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, धोती तो योगी आदित्यनाथ जी भी पहनते हैं, कहीं निशाना उनकी तरफ तो नहीं है। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे जो उन्होंने विड्रॉ किए, और उत्तर प्रदेश की हिंदू और मुसलमान दोनों की आबादी, बड़ी आबादी अपने घरों पे धोती ही पहनती है। पता नहीं केशव प्रसाद जी को मालूम है कि नहीं मालूम। यूपी में टीईटी परीक्षा लीक होने पर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। अखिलेश ने लिखा, टीईटी परीक्षा का पेपर बीयर के एक गोदाम के पते पर छपना गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला है। भाजपा सरकार में तो यूं ही हर बार पेपर लीक होगा, इसलिए 2022 में बेरोजगार सपा की सरकार बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि सपा के आने से ही सब कुछ फिर से ठीक होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय का किया घेराव। 22,000 सीटें जोड़ने की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। विधानसभा के सामने धरना देने पहुंचे अभ्यर्थी, पुलिस ने अचानक धरना देने आए अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में राकेश टिकैत और आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला। एग्जीक्यूटिव कमेटी से टिकैत बाहर, युद्धवीर सिंह लेंगे टिकैत की जगह। आंदोलन को लेकर किसान मोर्चा ने कहा, अभी जारी रहेगा आंदोलन। सरकार कोई इसकी एडवाइजरी कमेटी की मेंबर नहीं है, इस संगठन की। सरकार ने ये एक आपके माध्यम से करा कि छोटी कमेटी दे दो, 5 आदमियों के नाम दे दो। सरकार एक समझौते की तरफ जा रही है, और उसका रिजल्ट ये हो गया कि कल मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई। उनके ये मैसेज थे कि बातचीत करें, तो हमने 5 लोग जो यहाँ पर नजदीक रहते हैं सब यही है, ये बातचीत उनसे करते रहेंगे।